राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि वो किस तरह के हिंदू हैं। राहुल ने तर्क दिया कि हिंदुत्व कहता है कि कण कण में ज्ञान है, लेकिन पीएम सोचते हैं कि सारा ज्ञान उन्हीं के पास है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने नेता की जाति और मजहब को लेकर दुविधा में है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि ये पता ही नहीं कि उन्हें इस तरह का ज्ञान कौन देता है। But it's fascinating because the fascinating thing for me, most fascinating thing for me is that what is the essence of Hinduism? You please study Hinduism. What does the Gita say? That knowledge is with everybody. Knowledge is all around you. Knowledge is with him, knowledge is with him, knowledge is with him, knowledge is every, har jeev ke paas gyan. Aur hamare pradhanmantri kehte hain main Hindu hoon. और जो हिंदुइज्म की नींव है उसको नहीं समझते किस प्रकार के हिंदू हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू होने का मतलब पता नहीं। मित्रों, मैं जानती हूं ये बात वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भी और उनकी पार्टी कांग्रेस भी अपने नेता के मजहब और जात को लेकर दुविधाग्रस्त है और यह दुविधा बार बार प्रकट हो रही है। वर्षों तक कांग्रेस ने राहुल गांधी की छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता की बनाए रखी, लेकिन चुनाव आने के बाद उन्हें यह लगा कि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू है, इसलिए छवि को बदलना चाहिए। तो कौन सी छवि बनाई जाए? हिंदू की छवि बनाई। मुझे ये नहीं मालूम था कि जलोधारी ब्राह्मण के ज्ञान में इतनी वृद्धि हो गई है कि अब हिंदू होने का मतलब भी हमें उनसे समझना पड़ेगा। भगवान ना करे वो दिन कभी आए कि राहुल गांधी से हमें हिंदू होने का मतलब जानना पड़े। राहुल गांधी अपनी अज्ञानता का एक और परिचय देते हैं। पता नहीं उनके लिए कौन होमवर्क करता है। राहुल गांधी दिखावे के हिंदू हैं, न उनको हिंदुत्व की समझ है न हिंदू परंपरा की समझ है। कभी जनेऊधारी हिंदू, कभी कैलाश की यात्रा करने वाले हिंदू, कभी अपने का गोत्र का परिचय देते हुए कौल ब्राह्मण हिंदू, और शुरू में धर्मनिरपेक्ष, याद है ना? तो चुनाव की आवश्यकताओं को देखकर वो हिंदू का लबादा ओढ़ते हैं। तो राहुल गांधी को क्या कहा जाए? कहीं उनके एक शिष्य चले जाते हैं कहां, पाकिस्तान, और कहते हैं राहुल गांधी ने भेजा था, फिर उसको डिनाई करते हैं। जब पिटाई होती है तब गुगली आती है इमरान खान की। दूसरे उनके शिष्य कमलनाथ, वो कहते हैं मुस्लिम का 90% वोट नहीं पड़ेगा तो हम जीतेंगे नहीं, बड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो ऐसे लोगों से घिरे हुए कन्फ्यूज राहुल गांधी आज हमसे